और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, निरीक्षण के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी होता है कि बीच बीच में इस तरह के दौरे हों। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार इस तरह के निरीक्षण कर चुके हैं। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अस्पताल परिसर में बनेगी एक और बिल्डिंग, ये भी जानकारी सामने आ रही है फिलहाल, और तमाम चीजें जो हैं उनको निरीक्षण करने यहां पर पहुंचे हैं। हमीदिया से इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। एक और बिल्डिंग यहां पर बनेगी, देखिए पेशेंट जो है वहां पर उनसे भी बातचीत करते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तीमारदार जो हैं, परिजन जो हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। तो अमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं सीएम मोहन, अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे जाहिर तौर पर अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी जान रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है कि समय समय पर इस तरह से मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं, चीजों को देखते हैं ताकि व्यवस्थाएं ठीक से बनी रहें। यहां पर एक और बिल्डिंग बनाने की बात जो है वो भी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं यहां पर हमीदिया अस्पताल में सीएम मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हैं। और संतुष्ट नजर आए हैं, अस्पताल में जिस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने देखी उससे काफी हद तक संतुष्ट दिखे हैं मुख्यमंत्री। तो हमीदिया अस्पताल का ये दौरा, सीधी तस्वीरें इस वक्त, और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनसे काफी हद तक संतुष्ट मुख्यमंत्री दिखाई दिए। ये देखिए तमाम जो पेशेंट्स हैं उनसे जाकर खुद मिल रहे हैं, बातचीत कर। अस्पताल परिसर में रहेंगे, वो निरीक्षण करेंगे और वो इशारा तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त हमीदिया अस्पताल पहुंचे हुए हैं और यहां पर निरीक्षण करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हमीदिया से आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव, और देखिए हर जो वार्ड है उनमें जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट से मिल रहे हैं, खुद व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्रिटिकल यूनिट में। और इस वक्त मोहन यादव हैं, हम ये अस्पताल की ऐसी तस्वीरें एक और से
अंदर जो मरीज आएंगे, लेकिन मरीजों को आने में कोई कठिनाई नहीं हो। ये प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसकी अपनी क्षमता 2250 बेड तक, लेकिन अभी एवरेज अभी 1850 बेड तैयार है, लेकिन मरीज 1400 के आसपास है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस प्रकार का हमारा ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट चल रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें किसी को कठिनाई नहीं आए। कुछ नए काम की दृष्टि से भी यहाँ मेरे पास प्रस्ताव भी आए हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी का 35 करोड़ का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक्स 42 करोड़ का, कैंसर उपचार के लिए नई मशीनें 30 करोड़ की, बोन मैरो सेंटर जल्दी प्रारंभ किया जाएगा, पीजी छात्रों के लिए नया छात्रावास 20 करोड़ का, MRI सीटी मशीन जल्दी 20 करोड़ की आने वाली है, नया एकीकृत OPD ब्लॉक 35 करोड़ का ये हाईराइज बिल्डिंग बनेगी, तो नया UG छात्रावास भी 17 करोड़ का। कुल मिलाकर के विकास के मामले में, खास करके हेल्थ के मामले में, हमारी सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले धनराशि का भी उपयोग प्रॉपर हो, उससे जनता के बीच में एक विश्वास भी बनता है, और खास करके सरकारी अस्पतालों पर जनता का विश्वास भी है। हमारा प्रयास है कि इन सारे कामों में गुणवत्ता के साथ अपनी दक्षता से भी सभी अपनी ड्यूटी करें, और समय समय पर निरीक्षण करने से स्वाभाविक रूप से विश्वास बनता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि सारे विभागों में, खास करके जिस जनता जिसमें ज़्यादा, खासकर हॉस्पिटल का एक ऐसा स्थान है जहाँ कष्ट में तुरंत दौड़ करके आता है, तो यहाँ की सुविधाओं की दृष्टि से वो प्रॉपर काम करे। बहुत धन्यवाद। सर, आज से स्कूलों में जाना है, तो मुख्यमंत्री को आप देख रहे थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि कुछ उनके पास प्रस्ताव भी आए थे, और हेल्थ केयर में हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेहतर किया जाए, और इसीलिए जो भी प्रस्ताव आए हैं उन पर आगे काम भी किया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि करीब 2200 की यहाँ पर क्षमता है, 1800 के आसपास अभी तैयार हैं चीज़ें, और 1400 के आसपास यहाँ पर मरीज हैं अभी। ये जानकारी उन्हें मुहैया कराई गई। देखिए, खुद उन्होंने बातचीत भी की है आज लोगों से, और उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा अस्पताल है प्रदेश का, तो यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर होनी चाहिए। और देखिए, बातचीत करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव, बड़ी बारीकी से उन्होंने एक एक चीज को यहां पर समझा है। तो भोपाल से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, अमीदिया अस्पताल पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, जहां पर उन्होंने आज अस्पताल का निरीक्षण किया, और साथ ही उन्होंने किस तरह के अब यहां पर विकास कार्य हैं, कैसे व्यवस्थाओं को और बेहतर करना है, उसको लेकर भी अपनी बात यहां पर रखी, और साथ ही जो मरीज हैं उनसे उनका हालचाल पूछा। इसके अलावा कुछ बच्चे वहां पर भर्ती थे उनसे भी बातचीत की उन्होंने, जो बाहर परिजन थे उनसे भी बातचीत की। और आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे भोपाल की, जहां पर मंगलवार को आत्मनिर्भर पंचायत को लेकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और इसको लेकर किस तरह की तैयारी, क्या इसका मकसद है, सुनिए।